इन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी इफ ए डी इक्वल एक्स डी बी इक्वल एक्स माइनस टू ए इक्वल एक्स प्लस टू ई सी इक्वल एक्स माइनस वन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी देन वी नो दैट बाय थेल्स थ्योरम डी इज पैरेलल टू बी सी ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए बाय ई सी मीन्स डी ई डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी ए डी इज गिवेन एक्स डी बी इज ऑल्सो गिवेन एक्स माइनस टू ए इज एक्स प्लस टू एंड ई सी इज एक्स माइनस वन नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू देन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट वी हैव माइनस एक्स इक्वल माइनस फोर देन वैल्यू ऑफ एक्स इज फोर इट इज आंसर क्वेश्चन इन ए गिवन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी बाय डी बी ए डी बाय डी बी इज गिवन वैल्यू ऑफ ए सी इज गिवन एंड फाइंड ए ई सिंस वी नो दैट इन ट्राइंगल ए बी सी इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी then AD by DB is equal to AE by EC AD by DB is given and since value of AC is given then we can write we have to find A we can write CE is AC minus AE and CE is equal to AC minus AE AC में से अगर AE हटा देंगे तो CE बन जाएगी तो CE की जगह हम क्या लिख सकते हैं AC minus AE now value of AC is given AE is unknown AC is 5.6 minus AE then It is 3 into 5.6 minus AE. Minus 3AE is equal 5AE. Then 16.8 is 3AE plus 5AE. 8AE. A is equal to 16.8 by 8 we have 2.1 and it is answer.